पिछले 7 दिनों में विद्यार्थियों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, उनको आज रविवार को एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। तो आज आप सभी को ब्रह्म तरीके एक्सप्लेन करके दिखाना है और आप सभी देखेंगे कि कौन सबसे बेहतर तरीके से अपने जो अध्ययन किया हुआ है 7 दिनों को अच्छे से कर रहा है। सबसे बेहतर करेगा आज स्लोगन सम्मान करेगा। तो सबसे पहले आप आ जाए ठीक है, वेरी गुड। देने हमारा आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, लेकिन इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड लगता है। पासवर्ड में क्या होता है, हमारे नाम के 4 लेटर लगते हैं, वो भी कैपिटल्स का, और हमारे डेट ऑफ बर्थ की केयर लगती है। तो हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड में हमारे नाम के 4 लेटर कैपिटल बर्थ।
आईडी डालेंगे। हमारी सवाल आईडी निकला लास्ट हमारा एंट्री सैंडिंग चेक करता है। एंट्री सैंड का फुल फॉर्म होता है नेशनल लेबर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब हमें स्कॉलरशिप मिलती है तो उसे उसके लिए हमें एंट्री सैंड जरूर लिंक होनी चाहिए, तो उसके लिए हम उसे चेक करेंगे कि लिंक है कि नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे एंट्री सैंड चेक स्टेटस। ये इसकी थोड़ा एक डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे हम OTP एंटर करते हैं तो हमें हमारी SBI का स्टेटस आ जाता है। इससे हमारी लिंक होती है तो हमें शो कर देता है, अगर हमारी लिंक नहीं होती है तो हमें शो नहीं करता है। इससे हम हमारी SBI लिंक चेक कर सकते हैं कि वो आधार से लिंक है या नहीं। थैंक यू। इसके बाद हम यहाँ कस्टमर का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम मोबाइल नंबर लिखते हैं।
बाद हम यहाँ सीए नंबर लिखते हैं। फिर यहाँ प्रोडक्ट में लिखते हैं, क्या क्वालिटी लिखते हैं, कितना दे रहा है। इसके बाद डिस्काउंट, क्या लिखते हैं वो कितना प्रोडक्ट ले रहा है। अब देखते हैं कि इनका रेट कितना है। प्राइस के लिए लेते हैं, मल्टीपल कर देते हैं कि कितना ले रहा है और एंटर करते हैं तो उसकी प्राइस बता से। इसके बाद डिस्काउंट देते हैं, इसके बाद देते हैं डिस्काउंट अमाउंट, माइनस करते हैं डिस्काउंट और एंटर कर देते हैं। जब फर्स्ट टाइम में कोई विद्यार्थी बताते हैं तो गलतियां हो सकती हैं, तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। मेरा नाम ऋषभ तहरिया है और मैं एक्स एलिमेंट टेन की मार्कशीट कर रहा के बाद वो नंबर।